शंकर तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेगा बेटी। त्रिनेत्र, इस बार भी मेरी गोद नहीं भरी तो मेरी ममता हमेशा के लिए बांझ रह जाएगी। मैं वचन देती हूँ, मैं अपने बेटे का नाम शिव रखूंगी ताकि उसके बहाने तुम्हें पुकारती रहूं। और मेरे पति का सपना भी पूरा करना महादेव, वो परीक्षा में सबसे अच्छे गायक साबित हों। जाग जाओ ना। सोने दो ना सीमा, डोंट डिस्टर्ब मी। जानते हो आज शिव से मैंने मंदिर में क्या कहा? शिवा, शिवा पैदा हो गया? कितने बज के कितने मिनट में पैदा हुआ? अरे तरक्की है तो अभी माँ के पेट के पलने में ही सो रहे। अरे सो वो कुछ नहीं रहा, सुबह से लात मार रहा है। तू क्यों हाथ मार रही है? अरे मैंने उससे पूछा बेटा शिवा ये क्या, तो बोला बापू को जल्दी जगाओ, उन्हें आज बम्बई जाना है। अरे हाँ, मुझे तो आज बॉम्बे जाना है। स्टार सिंगर कंपटीशन तो पहले क्यों नहीं जगाया मुझे? सॉरी, पहले क्यों नहीं जगाया मुझे? तो जानते हैं मैं किसी तरह बॉम्बे जाना चाहता हूँ और बॉम्बे के किसी अस्पताल में हमारे शिवा का जन्म हो और वो 100 साल से भी ज्यादा उम्र चाहिए। जगर मानी रखते जल्दी से। अरे मैं भूल जाता हूँ कि तू अब बाल्टी उठाने के काबिल नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि शिवा बाथरूम में पैदा हो जाए और बाथरूम सिंगर बनकर रह जाए। सारे गा मा पा पानी रे पापा रे मम्मी रे पापा रे मम्मी रे। सिमर रख दिया सब कुछ? क्या बात है, व्हाट ए परफेक्ट वाइफ यार। एक मिनट बात सुन, वो एक पपी दे दो। नहीं, अरे शर्म नहीं आती? नहीं, शर्म नहीं आती। मैं शिवा से शिकायत करता हूँ। शिवा देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने अगर पपी देने में आना कानी की तो मैं अगले जन्म में इसका पति नहीं बनूंगा। बनोगे कैसे नहीं? अरे प्यार की झोंक में जो मुझसे वादे किए हैं उन्हें पूरा करने के लिए पूरे 7 जन्म तक मेरा पति बनना पड़ेगा मिस्टर। तो फिर एक पपी देने में तुम्हारा क्या खींचेगा मैडम? भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? अरे हाँ, मैं हमेशा भूल जाता हूँ इस मामले में। हैंडल विद केयर। देखो मजाक मत किया करो, तुम जानते हो
अगर इस बार भी हमारी मुराद पूरी नहीं हुई तो हम हमेशा के लिए औलाद से महरूम रह जाएंगे। कैसे महरूम रह जाएंगे, ये मुराद अली तो पैदा होकर ही रहेगा। शिवा रेडी, स्टार्ट सॉन्ग, 1 2 3 4। राजा चंचू क्या गुनगुना रहा है? जी हाँ, कह रहा है कि बंबई जाके हम दोनों की नाक मत कटवा देना। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि वहां जाके हमें भूल मत जाना। और भी कुछ कह रहा है? क्या बताओ बताओ। बाय 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 बाय। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। जब तक सजेगी सांसों की सरगम, तेरे ही नगमे गाता रहूंगा। यादों को तेरी दिल से लगा के सपनों में तेरे आता रहूंगा। मैं जिस्म हूँ तू है जान, होंगे कभी ना जुदा। ऐसे ना आंसू बहा, हंस के मुझे कर विदा। मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा। कैसे सहूंगा किए, उनको निभाऊंगा मैं। तेरा ये चेहरा हसी कैसे भुलाऊंगा मैं। मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा।
बंबई जाके हम दोनों की नाक मत कटवा देना। और सीमा भाभी आपका टेलीग्राम। और कह रहा है कि वहां जाके हमें फूल मत जाना, राजा का होगा। क्या बताता हूँ, फौरन बंबई आ जाओ, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। ये लो, अरे मुंह मीठा करो, मेरा राजा सिलेक्ट हो गया है, उसने मुझे बंबई बुलाया है, अब हम लोग वहीं रहेंगे। सेठ, ये डुप्लीकेट बैग बिल्कुल राजा का बैग जैसा दिखता है। हम कोकीन को इस बैग में ऐसा पैक किया है कि साला राजा तो क्या, कस्टम्स का कुत्ता भी नहीं सूंघ सकेगा। गुड। और जब हमारा स्टार सिंगर राजा लंदन के स्टेज पर शो कर रहा होगा, हमारे विदेशी पार्टनर उसके होटल के कमरे में जाकर इसी बैग के चोरखाने से वो कोकीन के पैकेट निकाल लेंगे। और कहीं लंदन के शो से पहले कस्टम्स ने बैग पकड़ लिया तो भाई वो राजा से पूछेंगे कि कोकीन के पैकेट कहां से आए। हम तो राजा को बतौर कलाकार लंदन भेजेंगे, अब वो अपने बैग में क्या डालकर ले जाता है इसके जिम्मेदार हम थोड़े ही हैं। साला सुन रहा था सेठ? हाँ सिंघानिया, मैंने सब सुन लिया है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक गाने वाले के पास कान होते ही क्यों है। जो हुआ सो हुआ, अब तो इस चक्रव्यूह से बचने का एक ही रास्ता है, हमारे साथ मिल जाओ। मैं कलाकार हूँ, प्यार डिलीवर करता हूँ, दोस्ती डिलीवर करता हूँ, मन की शांति डिलीवर करता हूँ, कोकीन नहीं। तुम सिर्फ गाते हुए अच्छे लगते हो राजा, उपदेश देते हुए बुरे लगते हो। ठीक है तो नहीं देता उपदेश। कहाँ चले? पुलिस को खबर कर ले। जाओगे कैसे, रास्ते में तो मौत की दीवार है। मैं हर दीवार तोड़ देता हूँ। दिल और दिमाग के दरवाजे को अंदर से बंद करके बैठे रहना किसी दुख या दर्द का इलाज नहीं है सीमा। भगवान जो करता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हम कौन होते हैं? मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढ रहा हूं, मैंने पेरिस से भी कह दिया है कि वो भी तुम्हारे बच्चे को ढूंढे, यहां तक कि मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कर दी है। देखो गॉड विलिंग तुम्हारा बेबी जरूर मिलेगा, वो एक ना एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन अगर तुम जिंदा नहीं रही तो फिर वो किसे मिलेगा? तुम्हें उसके इंतजार में जिंदा रहना होगा सीमा। जो हो गया वो हो गया, जो दिन डूब गया वो डूब गया,
अब सामने देखो, आने वाले दिनों की तरफ देखो। मे लॉर्ड गॉड ब्लेस यू। देख, अब तुझे दिखाता हूं मैं आग का खेल। जिसमें हूँ तू है जान, होंगे कभी ना जुदा। ऐसे ना आंसू बहा, हंस के मुझे कर विदा। मेरे पति की राख है, मेरे लिए उस भभूति के समान है जो तेरे भक्त अपने शरीर पर लगाकर शक्ति प्राप्त करते हैं। कल मेरे पति ने मेरी मांग सिंदूर से भरी थी, आज मैं तुम्हें साक्षी मानकर अपनी मांग अपने पति की चिता की राख से भर रही हूं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, इस औरत के पति को इसकी आंखों के सामने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मैं अदालत का ध्यान इस औरत की ओर ले जाना चाहता हूं जो यहां खड़ी अदालत से इंसाफ मांग रही है। मेरी अदालत से यह गुजारिश है कि इस कातिल को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि फिर कोई दोबारा ऐसा गुनाह करने की जरूरत न कर सके। शेरनी की तरह इस कातिल पर टूट पड़ेगी और इसे मौत के घाट उतार देगी। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मक्तूल सीमा देवी को कत्ल के जुर्म में दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। सिंघानिया, तू उतने दिन ही जिंदा है जितने दिन तक मैं जेल में हूं। मेरी आजादी का पहला दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जब तक तुम बाहर आओगी, तुम्हारी बूढ़ी हड्डियों में अपने जिस्म का बोझ उठाने की ताकत नहीं रहेगी। सिंघानिया पर हाथ उठाने की ताकत कहां से लाओगी? ताकत जिस्म की नहीं होती सिंघानिया, ताकत हड्डियों की नहीं होती, ताकत इरादों की होती है। मुर्दा चमड़े की बनी थौकनी भी फौलाद को जलाकर भस्म कर देती है, और फिर मैं तो जिंदा रहूंगी तेरी मौत के लिए। त्रिनेत्र, जिसने भी तुम्हारी पवित्र भूमि में त्रिशूल गाड़ा, तुमने उसकी मनोकामना पूरी की। आज मैं भी एक त्रिशूल लेकर आई हूं और तुमसे मांगती हूं, जिन्होंने मेरा सर्वनाश किया
मैं उनका सर्वनाश करूं। सब ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। Excuse me. Yes, my child. Father. Father. Father, बाढ़ गांव को बाहर ले गई। तब से किसी काम के लिए भटक रही हूँ। आज पता चला आपके चर्च में किसी झाड़ पोछ करने वाली की जरूरत है। Have faith in God. उस पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेगा। ये बच्चा मेरा है फादर, मेरा है। क्या नाम है इसका? टोनी, टोनी फर्नांडिस। God bless this child and his mother. तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सीमा। अगर तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लेती तो तुम्हें यह सजा नहीं होती। मेरी तो पूरी जिंदगी एक सजा है फादर। ना उम्मीद नहीं होते। मैं तुम्हारे बेटे को खोजने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। वो तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारा सामान मैंने स्टोर में रख दिया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ और कर सकता हूँ? आप अपने भगवान से रोज प्रार्थना करते हैं ना फादर? लोगों की जिंदगी के लिए, उनकी खुशी के लिए दुआ मांगते हैं ना? हाँ बेटी, ये तो हमारा धर्म है। तो फिर सिंघानिया की लंबी उम्र की दुआ करना फादर। मैं समझा नहीं। वो तो तुम्हारा दुश्मन है। इसीलिए मैं उसे तब तक जिंदा रखना चाहती हूँ जब तक मैं जेल से रिहा ना हो जाऊं। मेरी मुक्ति सिंघानिया की मौत होगी। सिंघानिया की मौत? जो सिंघानिया की मौत चाहता है वो खुद मौत को गले लगाता है। लेकिन सेठ, जब से आप फ्रेंको का ड्रग कंसाइनमेंट लूटा है वो गुस्सा में पागल हो गया है। ही इज मैड और धोखा से कभी भी आपका ऊपर अटैक कर सकता है। जॉन, तुम्हारा मतलब है कि हम उसके डर के मारे कमरे के अंदर बंद रहे? हाँ प्रभु, लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से आज आपके ग्रह गड़बड़ कर सकते हैं। आपका बाहर निकलना शुभ नहीं है। सिंघानिया मौत का नया नाम है और मौत को कभी किसी से खतरा नहीं हो सकता। जॉन, कम ऑन। अंडरवर्ल्ड के चक्रवर्ती सम्राट सिंघानिया की जय। मजा आ गया मिस्टर मैक। आज हम बहुत मूड में हैं। तुम अपनी सुरों का जादू जगाओ ताकि हम अपना शाहकार पूरा कर सके। बजाओ। वाह वाह, आपके लिए कुछ मैसेजेस हैं। मिस्टर जॉन विलिस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया आपकी कामयाबी पर बधाई भेज रहे हैं। मिस्टर हैदर खान ने आपको अपनी जन्मदिन की पार्टी के लिए निमंत्रण भेजा है। मिस्टर आनंद कपूर ने आपको अपनी नई बिल्डिंग के भूमि पूजन के लिए बुलाया है। बॉम्बे के मेयर का निमंत्रण है। वो चाहते हैं कि सेंट्रल जेल के कोर्टयार्ड में आप अपने हाथों से एक नींबू का पौधा लगाएं। जरूर लगाएंगे। आई लव बॉम्बे, ग्रीन बॉम्बे, क्लीन बॉम्बे। सेठ, अपने लंदन के शो की पब्लिसिटी शुरू करें। यस, स्टार सिंगर गुलशन का फोटो सेशन करवाया जाए। गली गली में गुलशन गुलशन, तीन बियर और ठंडी 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 ठंडी। आज का मुकाबला हर कुलत गोरिया और पानी में है। हर कोर का भाव 1-4, गोरिल्ला का भाव 2-1 और पानी का भाव 1-3। आपने असली फाइट देखी होगी, नकली फाइट देखी होगी, मियां बीवी की फाइट देखी होगी, मगर पानी की फाइट नहीं देखी होगी। भाइयों, तो बैट लगाओ और पैसा कमाओ।
खाला का बम्पर। दो दिन के बाद, दो दिन के बाद। मेरा कसूर नहीं था, ये लॉटरी वाले का धक्का लगा। है तो घर बैठ, स्टे एट होम। भूखा भी हूँ सेठ, पेट पालने के लिए ठोकर तो खानी ही पड़ती है ना। ठोकर? तुम्हारी ठोकर का इलाज तो है मेरे पास, देखो। अब तुम चलेगा तो घंटी बजेगा, घंटी बजेगा तो लोग रास्ते से हटेगा, तुमको ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। ओके, चलो चलो चलो। देखो देखो, घंटी घंटी का पैसा तो देता जा, इतने पुण्य का काम किया है, कुछ टिकट तो देता जा। टिकट कोई को नहीं छेड़ेगा, कोई जुल्म नहीं करेगा इसके ऊपर। चलो टोनी, टोनी फर्नांडिस, बचपन में कहानी सुनी थी कि मोहल्ले के सारे चूहों ने इकट्ठे होकर फैसला किया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए ताकि जब भी बिल्ली हम में से किसी को खाने आए तो घंटी की आवाज सुनकर हम छिप जाएं। फैसला तो अच्छा था, लेकिन सवाल यह था कि घंटी बांधेगा कौन। तुम तो बहुत बहादुर चूहे निकले, घंटी तो बांधी, वो भी एक अंधे लाचार के गले में। अगर मां का दूध पिया है तो ये घंटी इस गले में बांध कर दिखा। पानी स्टार्ट। वॉटर फाइट का असली मजा तो अब आएगा। नहीं नहीं, पहलवानों का भाव दो का एक, पानी का भाव एक का तीन, टोनी फर्नांडिस एक गाता। अबे लड़वे, बहुत मिला बंदा था, लड़ लड़ लड़। ये मेरे 5,000 रुपए पहलवानों के ऊपर। अरे तो साला टोनी पे जुआ खेला था, लेकिन टोनी तो मार खा रहा है। अरे साहब, टोनी जीत रहा है, टोनी, शाबाश टोनी, टोनी जीत रहा है। अरे जियो मेरे माइक टाइसन, जियो हजारों बरस जियो। ये रहा तुम्हारा हिस्सा, जिंदगी में मैंने आज तक इतना रुपया नहीं कमाया। अरे मेरे कलेजे के टुकड़े, जियो। बाबा, टोनी, टोनी। ये लो, जितना तुम्हारा नुकसान हुआ। बेटे, तेरा लाख लाख शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र। बेटे, उस जानवर से बच के रहना, बच के रहना। फादर, आवारा लफंगा गुंडा। फादर, मारिया, आज मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं सुनूंगा।
आज मैं इसे सजा देकर आऊंगा और तुम बीच में मत पड़ो, ये हम दोनों का मामला है। लेकिन फादर, ये गुंडा हो गया है और मुझे गुंडों को सीधा करना बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन मेरा कसूर क्या है? कसूर? आई एम सो सॉरी। बैठो बैठो, आराम से बैठो, यहां बैठो। मारिया, तुम्हारा ये बेटा बहुत बड़ा नाम करेगा। हाँ। इसका फोटो अखबार में छपेगा। ओ यस। कि बंबई का सबसे मशहूर गुंडा टोनी फर्नांडिस, इसका आता पता बताने वाले को 10,000 रुपया इनाम मिलेगा। इसका यही एंड होने वाला है। ये चर्च को भी बदनाम करेगा। करेगा ना? नहीं नहीं, आज इसे माफ कर दो। हरगिज़ नहीं, आज मैं इसे किसी भी हालत में माफ नहीं करूंगा। जानती हो आज ये क्या कर रहा था? आज ये सड़क छाप गुंडों के साथ मारपीट कर रहा था। नहीं फादर, मैं मारपीट नहीं कर रहा था। अच्छा, वो मैं सुजी के हस्बैंड पीटर को ढूंढने गया तो देखा कुछ गुंडे एक अंधे लाचार को सता रहे थे, तो मैंने उसे गुंडों से बचा और उन गुंडों को मारा। कैसे? ये धपा धप धपा धप। शट अप। मारे ऐसे क्यों नहीं आदमी बनाती? तुम क्यों नहीं एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ सकते ताकि ये फादर पैट्रिक शान से कह सके कि ये देखो मेरा टोनी। अरे अगर मेरे बारे में नहीं सोचती तो अपनी माँ के बारे में सोच। बूढ़ी है, बीमार रहती है, दिन भर काम करती है, एंड यू गुड फॉर नथिंग। फादर, आज इसे माफ कर। कोई माफी नहीं होगी और आज इसकी सजा यह है कि इसका आज का डिनर बंद। मम्मी। मम्मी नहीं। और सुन, मुझे तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना जब तक एक अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। मम्मी, मम्मी का बच्चा, गेट आउट। अरे टोनी, तू सवेरे सवेरे मौत की तार की तरह कैसे आ गया? क्या बात हूँ यार, कल रात फादर ने इमरजेंसी लगा दी, बोला जब तक मैं काम पे ना लग जाऊं मेरी सूरत नहीं देखेंगे। अरे अजीत के होते हुए इतनी जरा सी बात के लिए परेशान होता है? अरे खड़े खड़े तो तीन तीन नौकरियां दिलवाऊं। बोल। तीन? हाँ, एक अमर के यहाँ, एक अकबर के यहाँ और एक एंथोनी के यहाँ। ये तेरे खानदान में ये घपला क्या है यार? एक भाई अमर, एक अकबर, एक एंथोनी। एक लंबी दुख भरी दास्तां है। ये मेरे पिताजी ईश्वरलाल, इनका पहला ब्याह शांति देवी के साथ हुआ और अमर पैदा हुआ। अमर पैदा होते ही भगवान ने लाइटिंग कॉल लगा के शांति देवी को ऊपर बुला लिया। फिर मेरे पिताजी लखनऊ चले गए, वहां उन्होंने शकीला बानो के साथ शादी किया और अकबर पैदा होते ही अल्लाह ने एसटीडी करके शकीला बानो को ऊपर बुला लिया। मेरे पिताजी के दिल के टुकड़े हजार हुए, एक यहाँ गिरा, एक वहां गिरा, एक गोवा में जाके गिरा। वो लगा जूली के हाथ में, पिताजी ने जूली के साथ शादी किया और एंथोनी पैदा होते ही गॉड ने डिमांड कॉल लगा के जूली को ऊपर बुला लिया। बाद में मेरे पिताजी ने मेरी माँ के साथ शादी की। ये है वो बंतो रानी। ये बुरा नहीं माना, लेकिन ये तो जी रही है। वो ऑर्डिनरी कॉल था, इसलिए मेरे पिताजी चल बसे। ओ। पिताजी की याद में मुझे राग याद आया, मैं अभी सुनाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं पहले पहले नौकरी की बात कर। हेलो। हाय। बे 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 बे, घबरना नहीं, ये मेरे अंदर की आवाज है। सुबह बकरी का मटन खाया था ना, रिएक्शन हो गया। अच्छा, हु आर यू? जी मैं अजीत का दोस्त हूँ। अच्छा, अजीत हमको बोला तुम नौकरी के वास्ते आया। He is my father. ओ, इन्हें तो मैं मिल चुका। एक लंबी कहानी। जी देखिए, सुनिए, मैं अभी अभी ये कहानी सुनकर आ रहा हूँ, मुझे नहीं सुनना। मैं शादी की तब आप ये थम्स अप में रम क्यों मिला रहे? ये भी एक लंबी कहानी है। सुनाइए। कल ही मेरा दारू का लाइसेंस कैंसिल हो गया। 2 महीना लगेगा नया लाइसेंस मिलने के लिए। तब तक क्या मैं कस्टमर को बियर पिलाते रहूंगा? इसलिए मैंने आइडिया किया, तुम अच्छे वक्त पर आए हो। मेरा बारमन कल ही मेड सर्वेंट के साथ भाग गया, हम तुमको नौकरी पर रखता। देखो, कोई भी कस्टमर थम्स अप मांगेगा, समझ लो रम मांग रहा है, समझे? शो का टाइम हो रहा है, तुम बारमन का ड्रेस पहनकर जल्दी आ जाओ काम पे। तब तक मैं जरा खा के आता हूँ, कुछ नया खाऊंगा। जल्दी से ग्लास पानी मोना के लिए भेजो। ये मोना कौन है? तुम मोना को नहीं जानते? नहीं। सचू, अब एक घोंचू, यहाँ नौकरी करनी है तो जल्दी से एक ग्लास पानी मेकअप रूम में पहुँचा दो। अगर पानी नहीं मिला तो मोना गाएगी नहीं, गाएगी नहीं तो शो नहीं होगा, शो नहीं होगा तो बाटलियाँ टूटेंगी, और अगर बाटलियाँ टूटी तो बार बंद हो जाएगा, और अगर बार बंद हो गया तो तेरी नौकरी फिनिश। स्टैचू ओवर। अब समझा मोना कौन है? जी। जल्दी कर। अंतोनी सेठ, अरे डिस्को बैंड बात की जगह कर्नाटक राष्ट्रीय संगीत समिति के साजिंदे आ गए मृदंगम और तानपुरे लेके। Thank you.
मानो नहीं, तुम पे मरने वाले। मेरी किस बात पे मरने वाले? नीली नीली आंखों पर। और ब्राउन ब्राउन जुल्फों पर। रियली? ओके, लेट्स गो।
मुझको थाम लो लो आंखें हैं नशीली और बच्चे हो गए जाओ लोग मुझे क्यों कहते हैं मैं Thumbs up. Yes, thumbs up. Oh, I understand. One minute. Ah. Madam, thumbs up. Smart. Oh, yeah. Anthony! Yes, ma'am. Yes. Tomorrow, barman, thumbs up mein rum nikal ke mujhe pilata hai. या तो आइदर वो रहेगा या मैं नहीं आप 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 टॉनी यस सर अभी देखा था टॉनी हम सब में रम मिक्स करता है शर्म नहीं आती गेट आउट देखा मेरा लेकिन सर गेट आउट सर लेकिन ये आइडिया तो तेरा सर फोड़ दूंगा गेट आउट गेट आउट गेट आउट मैं मजाक नहीं कर रही हूँ छोटे भैया मुझे नौकरी मिल गई है छुटकी नौकरी कोई सड़क पर पड़ी हुई चवन्नी अठन्नी थोड़ी ही है जो उठा ली और मिल गई और वैसे भी गिरी पड़ी चीज उठा के लाना बहुत बुरी बात है अब जिसकी नौकरी तू उठा के लाई है वो बेचारा कितना रो रहा होगा मुझे 5,000 रुपए महीने की नौकरी मिली है और ये रहा एडवांस नकली नोट नहीं नहीं नहीं, नहीं असली है हाँ। इतना पैसा पूरे इंडिया में नहीं तो इसके पास 5,000 कहाँ से आएगा बे छुटकी क्या तूने स्मगलिंग शुरू कर दी है जी नहीं मुझे मेलोडी क्लब में डांस करने की नौकरी मिली है असंभव मेरी बहन नृत्य करे ये कभी नहीं बड़े भैया मुझे नौकरी करने दो ना प्लीज कभी नहीं शी इज राइट करने दो कभी नहीं क्यों कभी नहीं कैसी दुनिया में रहते हैं आप ऐसी दुनिया में ओह भैया आप उन पैसों से अपनी डिटेक्टिव एजेंसी खोल लो बस हां शी इज गॉट अ पॉइंट शो मी द पॉइंट डिटेक्टिव एजेंसी शोहरत मिलेगी पैसा मिलेगा माल ये हम खा के फैसला करेंगे तो मूवे Move श्याम जी बोलो घनश्याम जी अगर हम लोग इस शाखा को पकड़ लें तो हीरो बन जाए हीरो कौन शाखा शाखा वही जिसने 8 कत्ल किए हैं कोई अता पता अगर इसका अता पता होता तो अब तक पकड़ा नहीं गया होता अरे कोई हुलिया कहते हैं कि जब भी वो कत्ल करता है तो सिर्फ उसकी परछाई सी नजर आती है और फिर एक किक क्या हुआ परछाई यही मौका है यही मौका है फॉलो मी आज उसका नया जन्म हुआ है हैप्पी बर्थडे है उसका ले ले हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू ऐसी चीज से हमने आपको बचाया है मौत के मुंह से बचाया है लेकिन आप लोग हैं कौन बहुत जल्द दुनिया में मशहूर होने वाली जासूसों की जोड़ी श्याम जी घनश्याम जी लेकिन आप लोग चाहते क्या है हम कुछ नहीं चाहते शाका आपको कत्ल करना चाहता था ये शाका कौन है मालूम है जिसने सिर्फ 8 कत्ल किए हैं और 9वां कत्ल
आपका करने वाला था। लेकिन वो और हम दोनों ने बचा लिया आपको। कहाँ है वो? बताते हैं। आई दीदी आइए। अपने दीदों से देखिए ये राजा का। ये वो कातिल। अरे आप रो क्यों नहीं? आपको तो खुश होना चाहिए। आप लोग डिटेक्टिव नहीं, कुत्ते की तुम है। कुत्ते की तुम तो होती नहीं है। कुछ और बोलिए। बेवकूफ है। ये चलेगा? हमने आपकी मदद की, आप हमको बेवकूफ बोल रही है? इडियट्स, नालायको, गधो, ये मेरे पति आईजी चौधरी हैं। आजा। आइए सिंगारे जी, ले लो भाई। अब मैं सिंगानिया साहब से अनुरोध करूंगा कि वो दो शब्द कहें। आइए। भाइयों और बहनों, पेड़ पौधे हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इनके बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते। जब ये हमारी जिंदगी की इतनी फिक्र करते हैं तो हमें भी इनकी जिंदगी की फिक्र करनी चाहिए। आप जानते हैं कभी कभी पेड़ पौधे भी उदास हो जाते हैं, कटने पर आंसू बहाते हैं। हमारा ये फर्ज है कि हम पेड़ पौधों के आंसू बहने से बचाएं। जय हिंद। आई एम सॉरी सिंगानिया साहब। कोई बात नहीं। अरे करीम भाई, आपको भी पता चला हमारे मैजिक टाइम का? अरे जिंदगी भर का झंझट ही खत्म हो जाता है ना। हाँ, हरा है, पीला है, काला है, लाल है, सब है। आइए आइए आप, आइए आइए। सुनिए, बैठिए। देखो, हीरो का कट 25 रुपया, एक्सेल का कट 40 रुपया, एक्सपर्ट फर्स्ट क्लास का कट 50 रुपया, अमरीश पुरी का कट 10 रुपया। देखिए मेरा नाम। घबराए मत, ये मेरी आवाज है। वो क्या हुआ सुबह? अपने कुत्ते को लेकर मैं डॉक्टर के पास चला गया था। 10 दिन से भूखता ही नहीं था। कौन? डॉक्टर। डॉक्टर ने कुत्ता, जैसे डॉक्टर ने इंजेक्शन देना शुरू किया, कंबक कुत्ता भाग गया और वो इंजेक्शन मुझे लगा, तभी से चालू है। देखिए मेरा नाम टोनी फर्नांडेज है। लाहौल बिला कोद मिया, पहले क्यों नहीं बताया? अजीत ने तुम्हारा जिक्र किया था। अच्छा, ये मेरे अब्बा जान है। नमस्कार। एक लंबी कहानी। नहीं 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 नहीं, देखिए मैंने नहीं, ये कहानी सुन चुका हूँ मैं। किसी को सुनाऊंगा अकबर मियाँ, प्लीज मैं जल्दी में हूँ, मैं रेडी हो जाता हूँ। हाँ हाँ आया मियाँ, तब तक आप परसों वाला अखबार पढ़िए। देखो तुम आज से काम पे लग जाओ, और वो 4 नंबर वाला, नहीं नहीं वो 4 नंबर वाले के पास मत जाना, उसके बाल ढूंढते ढूंढते मेरा पूरा टी निकल जाता है। तुम ऐसा करना, वो 2 नंबर में कस्टमर बैठे हैं ना, उनके पास जाओ और वहाँ 4 मैजिक डाई पड़े हुए हैं, उसमें से उनको काला डाई लगाओ, जाओ। जी लेकिन ये देना, और हाँ ये भी रोज़ेस। मिल गया, मिल गया। टोनी धंधे पे ध्यान दे, आज तेरा पहला दिन है। जी ढूंढो ढूंढो रे साजना, टकले का बाल मां। अरे मिल गया, मिल गया, मिल गया, आज बहुत मिल रहे हैं। हर बहुत मिल रहे यार। थैंक यू, ये लीजिए। टोनी, रोशनलाल जी के बाल जरा प्यार से दो ना। आज तो बाल, हाँ हाँ, इधर भी, इधर भी। आपके बाल बिल्कुल काले हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। अच्छा, आप जरा बाल तब तक सुखा लीजिए। अच्छा, मैं आता हूँ। ओके, थैंक यू, ये रख लो। थैंक यू। आइंदे तुम्हारे पास ही आऊंगा। आप जरूरत नहीं पड़ेगी। ढूंढो है क्यों मियां रोशनलाल जी? मैं बाल सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। एक टोनी कंबक कहाँ गया? कहाँ गया मालूम नहीं। हम भी तो देखे हमारे मैजिक डाई का कमाल। रोशनलाल जी, अरे जिस को लगाइए डाई, सारे बाल काले हो जाएंगे। आई वजन ज्यादा है। देखिए हमारे मैजिक डाई का कमाल। अकबर, 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 ये क्या है? अकबर मेरे बाल काले करो, तुम मेरे बाल काले करो। हो नहीं सकते, अब जड़ से नए बाल आएंगे, वो भी लाल आएंगे। मैं मार डालूंगा, मैं मार डालूंगा तुम्हें। गरीब का शेर आज सुनाऊं? नहीं सुनूंगा। आपके काम का है।
मेरे बाल काले हो जाएंगे उसे? नहीं, ये तो आपको कब्र तक साथ देंगे। अबे कुत्ते भौंकने लगे टोनी, दुकान बंद कर दे, आज बहुत सेल हो गया, अमर भैया खुश होंगे। अजीत पापे, आज नौकरी का पहला दिन है, दुकान बंद करने का टाइम हो गया, लेकिन कोई लफड़ा नहीं हुआ। दुकान खुली है। मर गया। हाय, मुझे इतनी भूख लगी है, मैनेजर कहाँ है? आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो? जी वो सोच रहा हूँ कि सेंसर बोर्ड ने आप लोगों को पास कैसे कर दिया। ओ शट अप, खाने का ऑर्डर लो। आप क्या लेंगी? मैंने कहा ऑर्डर लो, यहाँ क्या देख रहे हो? जी जो दिख रहा है वही देख रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब देखिए, मैं कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है वही देख रहा हूँ। व्हाट? देखिए, देश में गरीबी बहुत है, गरीबी हटाइए ना, ये कपड़े क्यों हटा रही है? गो टू हेल मैन, गो टू हेल मैन। 12 चिली चिकन, 12 चिकन मंचूरियन, 12 चिकन फ्राइड राइस एंड 12 चिकन हाका नूडल्स। ओके, सच होगा। यो आपका खाना, और बाकी लड़कियों के लिए एक खाना ट्रक में भेजू क्या? हाँ, नहीं, नहीं, गाड़ी में। गाड़ी में जल्दी। यस मैडम। भगवान भला करे उस गाड़ी के पहिए का। जल्दी जल्दी। जहां भी मेरी नौकरी लगती है, ये लड़की मोना वहां पहुंच जाती है और मेरी नौकरी चली जाती है। लेकिन आज मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मजा चखा कर ही रहूंगा। हो जाए हो जाए। जाती है सारे जमाने को, चलवा दिखाती
अजमोना और उसकी सहेलियों की खैर नहीं, हमने उन्हें गाउन पहना और वो उतार कर चली गई नंगी पुंगी। चुप मर गए, अमर भैया आ गए। अगर उनको पता चला कि मैं लड़कियों को छेड़ रहा था तो मेरा बैंड बजा देंगे। टोनी अपनी नौकरी संभाल, में चला। जो टोनी भाई, हूँ तो मैं कहूँ छू, मेरे भाई के कहने से मैंने आपको अमर फास्ट फूड में नौकरी आई पा, और तू मेरे भाई को वगड़े छेड़। कहूँ छू, मेरा भाई सौतेला है, फिर भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। हमारा बाप ने एक लंबी कहानी कहूँ छू। नहीं नहीं, देखिए वो कहानी मुझे मालूम है, मुझे नहीं सुननी। 12 चिकन, 12 हक्का नूडल, 12 राइस का सत्यानाश कर दिया। ठीक है, मैंने तुझे माफ किया। खुद हमें कहानी कहूँ छू। नहीं जी, मैं नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन कहानी नहीं सुनूंगा। तू कैसे नौकरी छोड़ेगा? मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। गेट आउट, गेट आउट। मारा बीवी माटे आपका स्टार सिंगर तुम्हें तो इस वक्त लंदन शो की रिहर्सल पर होना चाहिए था। आ तो मैं वहीं से रहा हूं, लेकिन क्या है कि मेरा ये गिटार कुछ ठीक तरह से सुर नहीं निकाल रहा है। समथिंग इज रॉन्ग। आई टेल यू व्हाट इट इज। मेरे इस गिटार के अंदर एक सीक्रेट बॉक्स है, और इस बॉक्स के अंदर कोकीन के पैकेट्स भरे हैं। अगर मैं देशभक्त होता तो सीधा पुलिस के पास चला जाता। मैं पुलिस के पास जाने की धमकी नहीं दे रहा हूं, लेकिन इस गिटार को इंडिया से बाहर ले जाने में रिस्क तो मेरा है। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, और मैं कार्ड। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। जाके शो के रिहर्सल की तैयारी करो। गुड 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 गुड। गुलशन की आत्मा की चिड़िया तो उड़ गई, लेकिन ट्रुप को टूर पर तो भेजना ही होगा, क्योंकि मुझे 40 करोड़ का माल विदेश भेजना है। इसलिए एक नया स्टार सिंगर ढूंढो, सारे शहर में पोस्टर्स लगवा दो, बैनर्स लगवा दो, होर्डिंग्स लगवा दो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे एक नया स्टार सिंगर चाहिए। टोनी, टोनी फर्नांडिस। तुम वॉइस टेस्ट में पास हो चुके हो, अगर गिटार अच्छी बजाना जानते हो तो फाइनल राउंड तक पहुंच जाओगे। गिटार बजाओ। अल्बर्ट डिसूजा कौन है? यस सर, मैं हूं अल्बर्ट डिसूजा। योर चांसेस नेक्स्ट। यू आर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड। थैंक यू सर। कोई आ रहा है। मोना, अकेला लड़का देख के यूं इशारा नहीं करना चाहिए मिस। ओ गेट लॉस्ट मैन। नो 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 नो, प्लीज डोंट गो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अभी तक जिससे भी हमने लिफ्ट मांगी है कोई भी हमें इकट्ठा ले जाने के तैयार नहीं हुआ। और एक ये है जिसे हम पटा रहे हैं, और तुम नखरे कर रही हो स्टुपिड।
So sweet. देखिए हमारा टायर पंचर हो गया है। आपका कोई टायर पंचर दिख तो नहीं रहा है। मेरा मतलब मेरी कार से था। ओह। और स्टेपनी भी नहीं है। Really? I see. अगर आप हमें लिफ्ट देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ। हाँ। सोचता हूँ। सोचता हूँ। अगर मैं थोड़ी देर में घर ना पहुंची तो मेरी माँ घर से निकाल देगी और मेरी वार्डन मुझे 6 महीने तक हॉस्टल से बाहर नहीं जाने देगी। हाँ, कर दीजिए ना हम पर मेहरबानी। हाँ, अगर मैं छोटी सी मेहरबानी करूँ तो। छोटी सी मतलब? हाँ, बचपन में एक कहानी सुनी थी कि बड़ी मेहरबानी का मतलब है कि इस साथ दो और इस साथ ना लो, और छोटी मेहरबानी का मतलब है कि इस साथ दो और इस साथ लो। क्या लेंगे आप? किस? हाँ, तुम लोग एक एक करके आओ, एक एक करके किस दो, लेकिन ध्यान रहे एक किस के ऊपर एक किस ना आ जाए मिस, फिर लिफ्ट हाजिर है। अरे इनको पसंद नहीं आया? ओ माय गॉड, प्लीज मान जाओ ना, इतनी अनस्पोर्टिंग ना बनो, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज। नो, तूफानी रात है, जंगल का मामला है, कोई जानवर आ गया तो भालू भी तो आ सकता है। सुना है भालू तो लड़कियों को उठा ले जाता है। अरे भालू से तो फिर भी बच जाएंगे, कोई गुंडे आ गए तो। ये तो सिर्फ एक किस मांग रहा है। हाँ, गुंडे ना जाने क्या क्या मांगेंगे। जो भी होगा देखा जाएगा। नहीं 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 नहीं, हमें कुछ तो करना चाहिए। हमने जो कहा ध्यान से सुना? हाँ, उस पर गौर किया? भेजे में कुछ गया? समझ में आया? तो फिर बोलो हमें क्या करना चाहिए? किस? एक मिनट, देखो सब कतार में आओ, लाइन में। हेलो जी, चुम्मी भी लाइन लगने लग पाई है। टोनी, टोनी इधर आओ। ये उल्टी चाल का क्या मतलब है? जी, आपने मुझे कहा था कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तू अपनी सूरत मुझे नहीं दिखाना, इसलिए। अच्छा, अभी तक कहाँ थे? नौकरी ढूंढ रहा था। रात के 2 बजे तक? बात यह है कि बात करनी है तो इधर मुंडी करके बात करो। हाँ, देखिए मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये क्या है? मेरा चेहरा। हाँ, ये क्या है? नाक? नहीं, ये क्या है? गाल? ओह नो, ये क्या है? मेरे होंठ। फादर, मुझे बोलना ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन आज आप कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ या तू मुझे बेवकूफ बना रहा है? इधर चल, चल इधर तू, ये देख। अब अपना गुनाह से भरा चेहरा धोकर आ और ये कपड़े बदल कर आ, चल जा यहाँ से। जा, जा। फादर। टोनी, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं तुझे बेकार ही डांटता रहता हूँ, जबकि तू मेरी हर बात मानता है। जी। जैसे मैंने तुझे कहा कि तू कपड़े बदल कर आ जा, तू कितने अच्छे कपड़े बदल कर आया है, टोपी भी पहन कर आया है। जी। बेसिकली तू बहुत ही अकलमंद और स्मार्ट लड़का है। यस फादर। और पिछले कई दिनों से मैं तुझे स्टोर में बंद करने की सोच रहा था। जी। लेकिन हर बार तेरी माँ ने कर तुझे बचा लिया, लेकिन मेरे ख्याल से आज तुम्हारा बाप भी तुझे नहीं बचा सकता। यस फादर। अंदर चल बेटा, अंदर रहना। टोनी, आज 5 अगस्त है, सारे कैदी जेल में खुशियां मना रहे हैं, मगर रियाज करते करते मेरा गला ऐसा बैठा है कि चुनाव में कोई कैंडिडेट भी ऐसे नहीं बैठता। यार तू गा दे मेरी जगह, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया तो माँ मुझे ढाबे पर बिठा देगी। अजीत,
साला देख रहा है कि मैं फादर की जेल में हूं और कह रहा है कि तू मेरे लिए जेल में गा दे। तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, बाय 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 बाय। सीमा देवी, आप जलसे में नहीं गई? अरे कितना अच्छा जलसा है, सब लोग जा चुके हैं वहां। जी मुझे माफ कीजिए, मेरा मन नहीं है। चलिए भी, कहां रोज रोज ऐसे मौके मिलते हैं। बाहर की दुनिया में मेरे लिए क्या रखा है जेलर साहब? मेरा सारा संसार तो मेरे इस आंचल में है। सीमा देवी चलिए, आज गीत संगीत का भी प्रोग्राम है। मेरे सुर तो कब के चलकर राख हो चुके हैं। सजेगी सांसों की सरगम तेरे ही नगमे गाता रहूंगा, यादों को तेरी दिल से लगा के सपनों में तेरे आता रहूंगा। मैं जिसमें हूँ तू है जान, होंगे कभी ना जुदा, ना आंसू हंस के मुझे कर विदा। मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा। मैं तुझे छोड़ के कहां जाऊं, पापा जी इस तबले को किले की तरह मत ठोको। चुप।
तुम जिस तरह मर्जी ठोको भैया, लेकिन इस कूड़े करकट को ले जाओ मेरे घर से। ये भी ले जाओ। बाबुल मोरा बाबुल मोरा। इसका दाम बोलो। 100 रुपया। नहीं 115। नहीं 150, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। जाओ, 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 जाओ। अरे तू इसे 150 में ही ले जा। आपके सब मिलाकर हो गए 500। अच्छा दे, ये लीजिए। एक दो एक, तीन चार, ये पूरे बाबुल मोरा। देख पुत्र, इस 500 रुपए से तेरा अजीत दा ढाबा लाखों में खेलेगा। तो मत चल। ये अजीत का बजा लेकर कहाँ जा रहा है? अरे रोकड़ा देके जा रहा हूँ भैया। अब तो मेरा अजीत दा ढाबा अजीत दा ढाबा तूने मेरी मदद कर। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बोलो फरियादी, हमें उन गुंडों से बचा लीजिए। हम रोज हफ्ता भरकर तंग आ चुके हैं। धंधा करे न करे उनको हफ्ता देना ही पड़ता है। हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए। हम तो जासूस हैं, ये हमारा काम नहीं। फिर भी हमसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता। क्या करता है ये? जनता के दुख की आवाज है, इसे हम जरूर सुनेंगे। क्या करता है? क्या है कि कानून आके एड्रेस भूल गया हूँ। फिर भी तुम्हारा विलन कौन है? एक हो तो बताएं, वो तो 8 है। घनश्याम जी। बोलो श्याम जी। ये तो बहुत खतरे का काम है, बहुत कसके मार पड़ेगी, कपड़े भी उतर जाएंगे। तो भाग चले। भाग चलते हैं। तुम लोग कौन हो? कौन हो? हम विलन हैं। तुम कौन है? हम लोग हीरो हैं। हीरो हैं। और जासूस भी हैं। और जासूस भी। अरे तुम जासूसी कब से करने लगे रे? 5 मिनट हुए। हमने कितने मिनट हुए? अरे तुमसे मतलब? तुमसे मतलब? अरे हफ्ता दिया कि नहीं? घर में कैलेंडर नहीं है। नहीं है। अरे यहाँ हफ्ता दिए बगैर किसी के बाप की हिम्मत नहीं जो धंधा कर सके। क्यों, तुम्हारे राज का बाप है? बाप का राज है। बाप का राज है। हम हफ्ता नहीं देंगे। नहीं देंगे। मरना चाहते हो? नहीं, मारना चाहते। मारना चाहते। अरे चलो आज इनसे मार खा के ही देख लेते हैं क्या। अच्छा, क्या क्या खाओगे? क्या क्या खाओगे? खाने की बहुत चीजें हैं। पंजाबी है, मुगलाई है, चाइनीज है। एक मिनट खड़े रहो, अभी लेकर आते हैं। लेकर आते हैं। अच्छा अच्छा, क्या खाए? मैनू बताओ क्या खिलाऊ? चप्पल चाओ चाओ कराते मन
को चिल्ली चिकन बुलाना चौ ये नूडल्स आपने से भी टूटे भाई ऐसे वो ने तो पब्लिक भी मारेगी खड़ा जा आप लोगों ने बहुत बहादुरी दिखाई वो हम हमेशा दिखाते हैं बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं कुछ भी करो यार आपने गुंडों को भगाया आपकी फीस क्या होगी ये तो हमारा फर्ज था बहुत पुराना डायलॉग है यार फर्ज की कोई फीस नहीं होती हाँ, है ये नया डायलॉग है आप हमारे लिए कुछ करना चाहते है ना एक काम करेंगे जरा एम्बुलेंस बुला दीजिए एम्बुलेंस हम लोग चक्कर आए Left. Tony. Hey. Tum. Hi. Hi. आखिर ये कार्स बीच रास्ते में पंक्चर क्यों हो जाती है? मुलाकात के लिए. इसका मतलब है आपको लिफ्ट चाहिए. मेहरबानी होगी याद है जब हमें लिफ्ट की जरूरत थी तो आपने बड़ी बदतमीजी की थी उस दिन तो नहीं लेकिन बदतमीजी आज करूंगा
लिखनी है एक बात मगर मैं कह नहीं पाता, सोच के दिल की बात सनम मैं तो घबराता हूँ। मिलोगी और कब? जाने की इतनी जल्दी में क्यों हो? मेरे भाई घर पे है, उनसे तो मिल लो। अरे बाप रे, मारेंगे तो नहीं? घनश्याम जी। बोलो श्याम जी। मालूमात करो, छानबीन करो, इन्वेस्टिगेट करो, इस लड़के की नियत की फिंगरप्रिंट्स लो, इरादों के फुटप्रिंट्स लो, इसके दिल का ताला तोड़ के अंदर जाओ, देखो इसके दिल के किसी कोने में कोई दूसरी लड़की तो नहीं है। भैया। नमस्ते। भैया तुम अंदर जाओ छुटके। मैं भी बाहर जाऊं? नहीं, आज फैसला हो ही जाए। घनश्याम जी। बोलो श्याम जी। पूछने पर तो यही कहेगा कि इसे हमारी बहन से प्यार है। पूछने पर तो यही कहेगा। झूठ है ये, सरासर झूठ है। इसे हमारी बहन से नहीं, हमारी बेशुमार दौलत से प्यार है। तो फिर अलमारी से टेका लगा के ऐलान करो श्याम जी। अभी करते हैं। जाओ। ये शादी नहीं हो सकती। जी लड़के, हमें तुम्हारी आंखों में लक्ष्मी की चाहत नजर आ रही है। लक्ष्मी? मैं किसी लक्ष्मी लड़के का नाम तक नहीं जानता। घनश्याम जी। बोलो श्याम जी। ये हमें बेवकूफ समझता है। ऊपर तुमसे कहो कि दौलत वाले बेवकूफ नहीं होते। इससे कहो कि इसने 114 रुपए की पतलून पहनकर हमारे घर में आकर हमारी बहन का हाथ मांगने की जरूरत कैसे की। इसके मुंह पे दौलत मारो और यहां से बाहर निकालो। लड़के, तुम हमारी छुटकी से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें हमारी दौलत से मोहब्बत है। ये लो ब्लैंक चेक और अपनी मन चाही रकम भर लो और हमारी छुटकी की जिंदगी से बहुत दूर चले जाओ। ये लो साइन। वो छोटा है, डेट डालो। ये लो और दफा हो जाओ। क्या कि वैसे मैं दहेज के खिलाफ हूं, फिर भी
बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, 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 रुक जा भाई, रुक रुक रुक। अरे तुम बिल्कुल हमारे मन चाहे लड़के हो। क्या है कि जिस लड़के को लक्ष्मी से प्यार नहीं वो हमारी छुटकी को खुश कैसे रख सकेगा। बराबर, हम तुम्हारे इम्तिहान ले रहे थे। कि हम लोग जासूस लोग हैं, व्यापार से लेके प्यार तक हर चीज की छानबीन करते हैं। हम तुम्हारी छानबीन कर रहे थे, तुम छानबीन में बिल्कुल सही उतरे। अब तुम्हारी शादी हमारी छुटकी के साथ पक्की, मुबारक हो जीजा जी, हमारे मन चाहे जीजा जी। लेकिन जहाँ तक शादी की मुहूर्त का सवाल है तो इस महीने की 32 तारीख को जी नहीं, ज्यादा हो गया नहीं, 22 तारीख को। बस बाकी बातें मैं अपनी माँ को यहाँ लाकर करूंगा। अच्छा, एक बात कहूँ? बोलो। अगर आप दोनों हमारे हिंदुस्तान के खुफिया विभाग के लोग हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। इसका हाथ गलत डायरेक्शन में गया मगर बात सही कही इसने। ये पहला हिंदुस्तानी जिसने हम लोगों को पहचाना है। अरे वो सब भूल जा। अरे इसे कह के अपनी माँ को जल्दी लेकर आए। अरे आए, अपनी माँ को लाना, भूला नहीं है। अपनी माँ को जरूर लाना। ले जाओ इसे। चिलर साहब बैठिए। मुझे बैंड्रा चर्च से फादर पैट्रिक ने भेजा है। ये कुछ कागजात हैं जिन पर सीमा देवी के दस्तखत कराने हैं उन्हें हॉस्टल में दाखिल करने के लिए। ये जरूरी है। सुनिए जी, आप खुद इस पर दस्तखत क्यों नहीं करा लेते? अगर आपकी परमिशन हो तो। ओह श्योर, हमें कोई एतराज नहीं। सीमा देवी। फादर पैट्रिक ने पेपर भेजे हैं, किस पर दस्तखत कर दो। मैंने टोनी से झूठ बोला कि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने सबसे झूठ बोला, मुझे सच बता देना चाहिए। ओह माय गॉड, मारिया, मारिया तुम ठीक हो ना? Somebody get the doctor. फादर, मुझे डॉक्टर की नहीं, आपकी जरूरत है। मैं तुम्हारे पास मारिया। डॉक्टर। फादर, प्लीज फादर, मरने से पहले मुझको कन्फेस करना है। फादर, कन्फेस करना है। बोलो मारिया, कन्फेस करो, बोलो। 25 साल पहले मेरे को एक न्यूबॉर्न बेबी मिला था। उसका माँ उसका बगल में मरा पड़ा था। मैं उस बेबी को उठा लिया। औरत, 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 यही था। लगता है कोई जंगली जानवर उसे उठा ले गया है। मारिया, ये बच्चा इसका क्या होगा? शायद गॉड का यही मर्जी था, इसे हम पालेगा। फादर, टोनी, टोनी, वही बेबी था फादर। आज जेल में सीमा देवी को देखा, वो औरत वही था फादर, वो टोनी, टोनी का माँ था फादर। मेरे को नहीं मालूम था कि वो जिंदा है। हम टोनी को झूठ बोला फादर, हम झूठ बोला, हम उसका मान नहीं है फादर, हम उसका मान नहीं है। मम्मी, मम्मी, बोल मम्मी, बोल, मैं, बोल ना। सीमा, आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं जिसका ताल्लुक तुम्हारे बीते हुए कल, तुम्हारे आज और तुम्हारे आने वाले कल से है। अगर आप मुझे फिर से क्षमा का संदेश देने आए हैं तो भूल जाइए फादर। मेरा पीता हुआ कल, मेरा आज और मेरा आने वाला कल, तीनों पर खून के दस्तखत हैं। कल मेरे हाथों एक खून हुआ था, आज मैं एक एक दिन अपनी नसों में नफरत भरकर एक और खून करने की ताकत जुटा रही हूं, और कल मेरे हाथों एक और खून होगा। शायद जो मैं कहने आया था वो कहने का वक्त अभी आया नहीं है।
क्या बात है, माँ की याद आ रही है? याद तो उसी की आती है जो नहीं हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी माँ यहीं कहीं है, कभी भी सामने आ जाएगी और मुझे गले लगा लेगी। सीमा देवी, आज आपकी रिहाई का दिन है, तैयार हो जाइए। भाई भविष्यवाणी, आज कोई दमदार भविष्यवाणी करो तो माने। दमदार ही दमदार है प्रभु, आपकी भविष्य की रानी आपकी राह देख रही है। बिल्कुल सच कह रहा है भविष्यवाणी, तेरी मौत तेरी राह देख रही है। वाह, कमाल कर दिया तुमने। सीखा तुमने, कहां से सीखा ये गाना तुमने? हाँ, लेकिन आप क्यों? सीमा, तुम आ गई। मैं तुम्हें लेने गया था लेकिन मालूम पड़ा कि तुम निकल गई हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। और ये है टोनी, मारिया का बेटा, हमारे साथ ही रहता है। अब चले। ये जो गाना तुम गा रहे थे ये। सीमा, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम एक कमरे में कर दिया है। क्या है कि तुमसे बहुत सारी बातें करनी है।
लॉर्ड हेल्प मी, मुझे कोई रास्ता दिखा। मेरे दिल से बात क्यों नहीं निकलती कि मैं टोनी और उसकी मां के साथ अन्याय कर रहा हूं। हम सबके लिए सलीब पर चढ़ने वाले, मुझे कोई रास्ता दिखा, मुझे बता कि मैं क्या करूं। खुदा बाप के बेटे से मुझे भी कुछ पूछना है। एक फादर पैट्रिक ने मुझसे वादा किया था कि मेरा बेटा मुझे जरूर मिलेगा। ये पूछिए आप खुदा बाप के बेटे से कि मेरा बेटा कहां है। सीमा तुम अभी तक सोई नहीं? परेशान आंखों में नींद नहीं आती फादर, इसलिए आप ही जाग रहे हैं और मैं भी। फादर, सलीब पर चढ़े क्राइस्ट की मूर्ति सामने है, उसे गवाह बनाकर मैं आपसे पूछती हूं, टोनी कौन है? टोनी हजारों लाखों में एक है, उसकी आवाज में जादू है और वो एक बहुत बड़ा गायक बनेगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है फादर। सीमा, इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, मुझे बताओ कि मेरे सामने कौन खड़ी है। एक माँ जो अपने खोए हुए बेटे के लिए तड़प रही है, या एक पत्नी जो अपने पति के बदले की आग में जल रही है? बदला मेरी जिंदगी का मकसद है। अपने लंबे नाखूनों वाले सैकड़ों हाथों से हमेशा मेरे दिल को कुरेदता रहता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि टोनी कौन है? मैंने बताया ना कि टोनी मारिया का बेटा है। लेकिन खुदा को गवाह बनाकर नहीं बताया था फादर। खुदा को गवाह बनाकर बताऊंगा तो तुम्हें अपनी ममता की आहुति देनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। टोनी तुम्हारा बेटा है, लेकिन टोनी को नहीं मालूम होना चाहिए कि तुम उसकी माँ हो, क्योंकि तब तुम्हारा बदला उसका बदला बन जाएगा। इसलिए तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फादर, बरसों के बाद एक माँ को उसका बेटा मिला है, मुझे उससे अलग मत कीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं टोनी को कभी जाहिर नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी माँ हूँ। ठीक है। अजीत, नया ढाबा मुबारक हो। मेरी तरफ से भी। थैंक यू। मैं तो बड़ी खुश हूँ कि मेरा अजीत काम पे लग गया। टोनी, ये मुर्गा है ना, मेरी माँ अपने मायके से लाई है, बड़ा बदतमीज है, पकने में टाइम ले रहा है, ग्रेजुएट है ना, पकते ही हाजिर करता हूँ, दो मिनट। अरे मुर्गा ही नहीं, आज मुझे तेरी दुआ भी चाहिए, क्योंकि आज स्टार सिंगर कॉम्पिटिशन का फाइनल सिलेक्शन है, दुआ करके मेरी सिलेक्शन हो जाए। अरे जरूर होगा, जरूर होगा, क्यों अंतनी भाई। सही है। अरे मुझे थैंक यू बोल। मुर्गा खा रहा हूँ ना, रिएक्शन हो गया। अगर मैं तुझे गेट आउट नहीं करता तो मेरे नाइट क्लब में थम्स अप में रम मिलाकर सर्व कर रहा होता, क्यों अकबर भाई। अरे मेरा शुक्रिया अदा करना। लाहौल भिलाकुवत, ये कुत्ता पीछा नहीं छोड़ रहा है। अगर मेरे ग्राहक का बाल लाल नहीं करता तो मेरे सैलून में हजामत करते बैठता, क्यों अमर भाई। मेरा भी धन्यवाद करना, तू तुम्हें बाहर निकाला था। जब तू बड़ा स्टार सिंगर बनेगा तो अपने लाइफ हिस्ट्री में लिखना, मारी कलानी शुरुआत फास्ट फूड शॉप में हक्का नूडल से हुई थी। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन थैंक यू तो मुझे मोना का करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ था। क्यों अजीत? अरे जल्दी करना यार, भूख लगी है। मेरे पेट में भी चूहे दौड़ रहे हैं। अरे चूहों को बोलना मुर्गा आ रहा है। टोनी, मैं भी तुम्हारे साथ सिलेक्शन में जाना चाहती हूँ। डन। उनको तो ये लड़का जमता है। मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि हमारा नया सुपरस्टार सिंगर ये लड़का होगा। ओके। Congratulations. Thank you. हमारे साथ तुम्हारा भविष्य उज्जवल है यंग बॉय। जी मैं समझा नहीं। You are a great boy. आते सैटरडे को हम तुम्हें स्टार सिंगर की तरह दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद तुम वर्ल्ड टूर पर जाओगे, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, कनाडा, एवरीवेयर। थैंक यू। फादर,
क्या बात है सीमा, क्या हुआ? मेरा बेटा कहाँ है फादर? फादर! फादर! क्या हुआ? फादर, आप कहते थे ना मैं कुछ नहीं बन सकता, आज आपके सामने टोनी नहीं जिसे आप स्टोर रूम में बंद करते थे, आज आपके सामने खड़ा है। कौन खड़ा है? आज आपके सामने खड़ा है। अरे कौन खड़ा है? चैन डैन डैन स्टार सिंगर ESTEARR स्टार सिंगर सिंगानिया एंड कंपनी का स्टार सिंगर टूर पर जाएगा। चैन जय, तुम सिंगानिया एंड कंपनी का स्टार सिंगर नहीं बनोगे, तुम सिंगानिया एंड कंपनी का स्टार सिंगर नहीं बनोगे। ये अचानक माजी को क्या हो गया? बेटी क्या हुआ? फादर, फादर, मेरे मुंह पर तो मेरे दिए हुए वचन की पट्टी बंधी हुई है। मैं टोनी को नहीं बता सकती कि उसे सिंघानिया और कंपनी के साथ क्यों काम नहीं करना चाहिए। मैं तो उसे ये भी नहीं बता सकती कि मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन आप आजाद हैं फादर, आप उसे सिंघानिया के लिए काम करने से रोक दीजिए। तुम ठीक कहती हो सीमा, मैं टोनी को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। फादर, ये औरत है कौन? क्यों? इसलिए कि जब से यहां आई है कुछ अजीब नजरों से देखती रहती है, और जब से सुना कि मैं सिंघानिया एंड कंपनी का स्टार सिंगर चुन लिया गया हूं, ऐसे चिखने लगी जैसे पागल हो जाएगी। आखिर ये औरत है कौन और चाहती क्या है? वो सिर्फ एक मां है टोनी, और दुनिया की हर मां की तरह दुनिया के हर बेटे का भला चाहती है। कमाल है, पहले जूता लेकर मेरे पीछे पड़े रहते थे कि काम करो काम करो, अब काम मिला तो कह रहे कि उस औरत की बात मानो।
क्यों मानूं? क्योंकि मैं भी यही कह रहा हूँ। आप गलत कह रहे हैं फादर। एक सजा याफ्ता औरत पता नहीं किस खतरनाक जुर्म की सजा काट कर आई है, वो किसी का क्या भला सोचेगी? और फिर किसी ऐरी गैरी औरत की बात मैं क्यों मानूं? जिसे तू ऐरी गैरी और सजा याफ्ता औरत कह रहा है, जानता है वो कौन है? वो तेरी माँ है, तेरी माँ। सिंघानिया का सर्वनाश करने के लिए मैंने अपनी सौगंध का त्रिशूल तुम्हारे चरणों में गाढ़ा था, आज मेरा बेटा उसी सिंघानिया के हाथ की कठपुतली बनकर उसकी तिजोरी भरने जा रहा है, जो आग मेरे सुहाग को खा गई। आज उसी आग में मेरा दूध भी जलकर खाक हो जाएगा। ये तुमने क्यों किया महादेव, क्यों? 25 साल से अपनी सौगंध का त्रिशूल अपने इंतकाम की आग में तपा तपा कर उसे तेज करती रही, एक एक आंसू पीकर उस दिन का इंतजार किया जब मेरा त्रिशूल होगा और सिंघानिया का सीना, और आज तुमने मेरा ही त्रिशूल मेरे ही सीने में खोप दिया। 25 साल के बाद तुमने एक हाथ से मुझे मेरा बेटा दिया और दूसरे हाथ से छीन लिया। त्रिनेत्र, 3 आंखें होते हुए भी तुमने अपना यह अन्याय नहीं देखा। मेरा दूध मेरे सीने में सूख गया, मेरे आंसू मेरी आंखों में पत्थर हो गई मैं। तुमने तो मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा पति, मेरा इंतकाम, मेरे आंसू, मेरी सौगंध। अब क्या है मेरे पास, बोलो क्या है मेरे पास? तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है मां। मैं टोनी हूं या शिवा, जो कुछ भी हूं तेरा बेटा हूं मां। शिवा, मां, शिवा, पहले मुझे जी भर के देखने तो दे, अभी तो मैंने तुझे ठीक से देखा भी नहीं। मेरा 25 साल का उपवास है, मेरी आंखों का, मेरे आंचल का, मेरी गोद का, समझ में नहीं आता क्या दूं तुझे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तेरे पास तेरी सौगंध है मां, उसे मुझे दे दे। वो मैं तुझे नहीं दे सकती। क्यों माँ, क्या वो मेरा अधिकार नहीं है? वो एक पत्नी की सौगंध है, मैं उसे बेटे का इंतकाम नहीं बनने दूंगी। फिर मुझे भी तेरे आंसू देखकर जीने का कोई अधिकार नहीं है? ऐसा नहीं कहते बेटे। फिर बोल, बोल इसका जिम्मेदार कौन है? बोल, बोल। सिंघानिया। हाँ बेटे, सिंघानिया ने ही तेरे पिता का इस्तेमाल करने की कोशिश की, और जब उन्होंने इनकार किया तो उन्हें जिंदा जला दिया गया। वो आग तो बुझ गई, लेकिन मैं चलती रही, और अब वो तुझे भी उसी आग में झोंकना चाहता है। आज से तेरी आग मेरे सीने में चलेगी। मेरे पिता की एक एक चीख की कीमत सिंघानिया को हजारों चीखों से चुकानी पड़ेगी। सिंघानिया बहुत जालिम आदमी है बेटे, वो काल है। अगर वो काल है तो मैं तेरा त्रिशूल हूं। ये मेरा सिंदूर है जो राख हो गया, 25 साल से ये राख मैं अपनी मांग में भरती आई हूं। आज से ये राख तेरे माथे का तिलक है। मेरे माथे पर लगी इस तिलक की कसम, तेरा शिवा तेरी सौगंध पूरी करेगा।
आप जरा हमारी पेंटिंग को गौर फरमाएं। राम राम प्रभु, ये क्या किया आपने? अपने ही हाथों से अपने विनाश का हथियार बना रहे? विनाश का हथियार? अरे अंधे हो गए हो क्या? कैक्टस है ये कैक्टस, और कैक्टस मेरा क्या बिगाड़ सकता है? नहीं नहीं प्रभु, घर से देखिए, ये कैक्टस नहीं त्रिशूल है। नॉनसेंस। समय साथ नहीं दे रहा प्रभु, मैं अभी अभी आपकी कुंडली देख के आया हूँ। आपके ग्रह पे त्रिशूल की छाया है, कोई शिव ही आपके अंत का कारण बन सकता है। पुराणों और कहानियों से निकलकर शिव यहाँ आएंगे और मुझे मारेंगे? ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अरे पुराने वक्तों में लोगों को बहुत फुर्सत हुआ करती थी, इसलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए तरह तरह के भगवान बना लिया करते थे। कोई शिव नहीं है। ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने वालों को आज तक पर्वत पर कहीं शिव नहीं मिले। ये जरूरी नहीं है प्रभु कि शिव भगवान खुद प्रकट होवे। उस नाम का कोई भी प्राणी आपके अंत का कारण बन सकता है। तो ढूंढो उसे और पेश करो हमारे सामने ऐसे शिव को। अपनी मौत तक पहुंचने के लिए इतना बेताब मत हो सिंगानिया, मैं तुझे इतनी जहमत उठाने नहीं दूंगा। आंखें खोल कर देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। टोनी? टोनी नहीं, शिवा। पकड़ो इसे, जिंदा नहीं छोड़ना। साल के स्टार सिंगर कंपटीशन का फाइल निकालो, मुझे उस हरामजादे टोनी का एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। ओके सर। शिवा मेरे अंत का कारण होगा, मैं उस भविष्यवाणी को गलत साबित करूंगा। मैं शिवा का अंत करूंगा। सर फाइल मिल गई सर। ला। टोनी फर्नांडिस,
केयर ऑफ फादर पैट्रिक सेंट जोसेफ चर्च पेंड्रा। टोनी, टोनी बाहर निकाल। चिल्लाओ मत सिंघानिया, टोनी मेरे बेटे का नाम है। कहाँ है वो नमक हराम? उसे मत ढूंढ सिंघानिया, क्योंकि मरने वाला मौत को नहीं ढूंढता, मौत मरने वाले को ढूंढती है। इसीलिए तो उसे ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं उसकी मौत हूं। ले चलो इसे। अगर मोना को किसी ने हाथ लगाया तो टोनी की कसम एक एक का तंदूरी मुर्गा बना दूंगा। अरे क्या हुआ, मोना का है? मोना को सिंघानिया के हाथ में उठा के ले गई। क्या? पता नहीं। श्याम जी। बोलो श्याम जी। यही मौका है दुनिया के सामने साबित करने का कि हम सबसे बड़े जासूस हैं। पर ये साबित करना कि आज तो हमने तकदीर से जूते खाए हैं, मगर आज बेईमानों को जूते मारेंगे तो हमारी तकदीर चांद की तरह चमक जाएगी। चलो अपनी बहन की तरफ। एक मिनट, ये बेहतर होगा कि पहले खबर टोनी को दी जाए। फादर, फादर, ओह माय गॉड। टोनी की बर्बादी की दास्तान तो शुरू हो चुकी है। तुझे जान प्यारी है तो नाच गुड़िया नाच। नहीं, हरगिज नहीं। तू नाचेगी और मैं तेरी हर अदा को अपनी लकीरों में कैद करता जाऊंगा। मैं इसे इतना दीवाना बना दूंगी कि ये अपने होश को बैठेगा, और फिर टोनी के आने से पहले मैं इसे खत्म कर दूंगी। नाच गुड़िया।
तेरी मौत का नया नाम है सिंघानिया। मुझे तेरा ही इंतजार था। मैं जानता था कि तू अपनी मां के लिए यहां जरूर आएगा, मगर अफसोस, जो मां तुझे इस दुनिया में लाई वही मां आज तुझे मौत के मुंह में ले आई है। मुझे मौत के मुंह में नहीं सिंघानिया, तुझे मौत के मुंह में। मेरी मां का एक आंसू तेरी चिता का अंगार बनेगा और तेरी सौ सौ चीखें मेरी पिता की एक एक चीख का मुआवजा देगी। ये मेरा वादा है। मेरा भी वादा रहा कि तुझे बिल्कुल वैसे ही जलाऊंगा जैसे तेरे बाप को जलाया था। देखना है कि तेरी और तेरे बाप की चीखों में क्या फर्क है। देखना है कि तेरी चीखें सुनकर तेरी मां के आंसू कैसे अंगारे बनते हैं। तेरा अत्याचार सीमा पार कर चुका है सिंघानिया, तेरा अंत नजदीक है। हंस मत सिंघानिया, भक्ति की पुकार तीनों लोगों को हिलाकर रख देती है। और तू तू तो एक मामूली इंसान है। अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो मेरे शिव तेरा सर्वनाश अवश्य करेंगे। कहां का शिव, कहां की भक्ति? अरे जो पत्थर बनकर खुद लुढ़कता फिरता है वो तुम दोनों की रक्षा क्या करेगा? जहां कण कण में भगवान बसते हो वहां हर पत्थर शिव होता है सिंघानिया, और वही पत्थर तेरे पाप का खड़ा फोड़ेगा। मेरे त्रिनेत्र की तीसरी आंख खुलेगी और तू अपने पाप समेत भस्म हो जाएगा। तो हो जाए, तेरे त्रिनेत्र की तीन आंखें और तेरी दो आंखें, इन पांच आंखों के सामने तेरे बेटे को जिंदा जलाऊंगा और फिर देखूंगा तेरी भक्ति और तेरे त्रिनेत्र की शक्ति। ये रहे तुम और ये रहा तुम्हारा भगवान। मैंने तुझे कहा था ना कि मुझे कोई गोली छू नहीं सकती, मैं अपने भगवान का त्रिशूल हूं, पर आज तो मुझसे बच नहीं सकता। और मैंने कहा था कि जिस दिन मेरे महादेव का त्रिशूल तेरी छाती में होगा